रोशनी, रोशनी को तो मैं बचा लूंगा, लेकिन तुम्हें और पिताजी को अपने किए की सजा जरूर दिलवाऊंगा। अगर मेरी बेटी कुछ है तो छोटी छोटी सुरिंदर। चाचा जी क्या बोल रहे हैं? दारजे मैंने जवाब दो। अरे कोई आन छोरी मेरी, नील कहाँ है छोरी? दीदा आप चिंता मत करो, आपकी रोशनी ने मैं ढूंढ के लेके आऊंगा। चुपचाप खड़ी रहे वरना यहीं कहीं काट दूंगा तेरे को जिंदा, समझ गई? चुप। सांस आने की आवाज नहीं आनी। अज्जू, अज्जू देख, अज्जू मैंने पता तू आसपास ही है, चुपचाप बाहर आ जा वरना बहुत पछताएगा तू। अज्जू मैंने पता तू आसपास ही है, बाहर आ जा। जो ये पिस्तौल तो अज्जू की है। अज्जू, अज्जू तू यहां पे क्या कर रहा है? आकर्ष बेटा, और डीजे आप आगे जाकर रोशनी को ढूंढ, मैं दो मिनट में। रोशनी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जो लड़की तुम्हारे लिए जान देने के लिए तैयार है, तुम उसकी जान लेने की तैयारी में हो? मेरे होते हुए उसे कुछ नहीं हो सकता नील, मैं तुम्हें उसे मारने नहीं दूंगा। बता कहाँ है वो, कहाँ है वो? मास्टर, मैंने तरता पहले कहा था कि तू मेरे और रोशनी के रिश्ते को समझ ना पाऊंगा। रोशनी को मैं नहीं, अज्जू लेके गया। बस करो तुम दोनों, पागल हो गए हो क्या? वहां रोशनी की जान खतरे में और यहाँ तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो? चाहो जाके अज्जू को रोको, नहीं तो वो रोशनी को कुछ नहीं होगा। रोशनी को कुछ नहीं होने दूंगा मैं, कुछ नहीं। आकर्ष, ये लेके जा, ताने इसकी जरूरत पड़ सकती है। चल ट्विंकल, चल। रोशनी, 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 रोशनी।
तुम यहां? जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में जाकर कहना, फिलहाल मुझे रोशनी को ढूंढना है। अरे सुनिए ना, बड़ा शौक है ना तने नाचने का, है ना? और तुझे क्या लग रहा है मेरी बंदूक नहीं मिलेगी तो तू बच जाएगी मेरे से? इतना आज मतरा वो हाल करूंगा कि सारा करनाल देखता रह जाऊंगा। तना आज भगवान भी नहीं बचा सकता मेरे तय। भगवान का तो पता नहीं लेकिन तुझे कोई नहीं बचा पाए। लग गए पहले अपनी औकात भूलने की आदत से पड़ गई है। छोड़ सुने, रो मास्टर जी, रात में ना घुंघरू अच्छे लगते हैं। या पिस्तौल मने दे दिला। चुप हो जा, वरना आज तुझे ना चाहूंगा मैं। ठीक है ना तू? चल, आगे चल, आगे चल। भाई समझाया था ना, अब भुगत। रोशनी, नानी, मम्मी जल्दी आओ, रोशनी आ गई। रोशनी मिल गई? सुनिए, रुक जाइए। जल्दी आओ, रोशनी आ गई। नानी वहां जल्दी आओ, रोशनी मिल गई। रोशनी कहां है? दिखा नहीं रही। दीदा के लिए नहीं सोचा। कहाँ चली गई थी मेरी लाडो? कोई ऐसे नाराज हो गए है? अरे भूल जा सब पुरानी बातें। माँ, कोई और भी है जो हम सब की माफी का हकदार है। Thank you.
माँ। 13 साल पहले मैं सुनैना को मारने के लिए गया था, पर मार नहीं पाया, इसलिए मैंने उसे हमेशा के लिए करनाल छोड़ने के लिए गया। माँ, 13 साल पहले मारते जो गलती हुई थी वो ना जी, आपसे कोई गलती नहीं हुई, आपने तो मुझे नया जीवन दान दिया। दारजी ने तो मुझे मार डालने के लिए कहा था, अगर आज मैं यहां जिंदा खड़ी हूं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। और आपने हमारी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया, उसे इतने अच्छे संस्कार दिए, इतनी हिम्मत वाली बनाया, आपने मुझसे किया हुआ वादा पूरा किया। मैंने मालूम था मारा छोरा कुछ गलत नहीं कर सकता, किसी की जान नहीं ले सकता, और वो भी अपनी धर्म पत्नी थी। बेटा, तूने आज मेरे मन से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। ये सब कैसे सुरेंद्र? तुमने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया? बैजू कौन सा है? बैजू मैं हूं, मैंने ही आपको फोन किया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। अज्जू तू ये भूल गया, मैं थारा बड़ा भाई हूँ, कोई मेरी छोटी बहन की तरफ आंख भी उठाएगा मैं बर्दाश्त ना कर सकूंगा। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, अज्जू की हो प्लीज ले चलो इन्हें। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, एक और भी है जिसे आपको गिरफ्तार करना। सुरेंद्र को मारने के लिए आदमी इन्होंने भेजे थे, रोशन बेटा अखबार में तुम्हारी खबर भी कल्याणी ने ही छपवाई थी। अम्मा मैंने नाथ से नफरत थी, मगर उससे कई ज्यादा प्यार मैंने रोशनी से किया है, इसलिए तो उसके नाचने के बावजूद भी मैं उससे शादी करने को तैयार था। पर हैरानगी की बात तो अम्मा ये है, इतने सालों में भी तन्ने मेरे प्यार की गहराई समझ में आई। वो सब झूठ है, क्यों किया अम्मा तूने वो सब? मैंने जो कुछ भी किया छोरे तेरे लिए किया, तारी जिंदगी बर्बाद ना हो इसीलिए किया। तन्ने भी तो नाच से नफरत है ना, तो मैं एक नछन्या की बेटी के साथ ब्याह कैसे होने देती?
मामा मैंने नाथ से नफरत की, मगर उससे कई ज्यादा प्यार मैंने रोशनी से किया है। इसलिए तो उसके नाचने के बावजूद भी मैं उससे शादी करने को तैयार था। पर हैरानगी की बात अम्मा ये है, इतने सालों में भी तन्ने मेरे प्यार की गहराई समझ न आई। पर अम्मा तूने ये बात किसी से मत कहियो कि तूने यो सब अपने बेटे के लिए किया है, वरना हर बेटे का अपनी मां पर से विश्वास उठ जाएगा। गिरफ्तार कर लो इंस्पेक्टर साहब। साहब अच्छा नहीं किया सुरेंद्र, थारे को इसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। रोशनी, अपनी मां के गले नहीं लगेगी। मां घर आके फिर से हमारा आंगन सजाते। आज बहुत खुशी का दिन है। 13 साल पहले जो पाप हुआ था आज उसका प्रायश्चित हो गया। दिल्ली के राउंड में भी तुझे आगे जाना चाहिए, ताकि तुझे देखकर करनाल की हर लड़की अपनी मर्जी से जी सके और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत मिले। नहीं ट्विंकल। ना रोशनी। मेरी बेटी बहुत भाग्यशाली है जिसे तुम जैसा लड़का मिला। बस जिंदगी भर उसे खुश रखना। अब सब सॉरी बोल रहे हैं तो एक सॉरी मेरा भी बनता है। सॉरी रोशनी, मैंने गुस्से में पता नहीं तुझे क्या क्या कह दिया। कोई बात नहीं ट्विंकल, लेकिन सच में सही मायने में तू ही इस कॉम्पिटिशन में आगे जाने के लायक है। तूने कितनी मुश्किलें झेली, कितना दर्द सहा, लेकिन एक बार भी उफ तक नहीं की। इसलिए दिल्ली के राउंड में भी तुझे आगे जाना चाहिए और मैं दिल से चाहती हूँ कि तू वो राउंड भी जीते, ताकि तुझे देखकर करनाल की हर लड़की अपनी मर्जी से जी सके और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत मिले।
नहीं ट्विंकल, डांस करना तेरा सपना था, तूने इसे बचपन से देखा है, मैं कैसे तेरे सपने और तेरे बीच में आ सकती हूँ? कंपटीशन में आगे सिर्फ तू जाएगी, मैं नहीं। ना रोशनी, नहीं तो कह रही ट्विंकल, इस प्रतियोगिता में तेरा आगे जाना बहुत जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी करनाल की बेटी का सपना पीछे ना रह जावे, समझी? आकर्ष, अरे आकर्ष भाई, आप ही करनाल और रोशनी की जिंदगी में सपना लेके आए थे ना अपना नाच गाने का, अब आपने इसको आगे लेके जाना है। अपनी डीजे को यूं अकेला छोड़कर चले जाओगे? एक माँ की खुशी तभी पूरी होती है जब उसकी खुशी में उसका बेटा शामिल है। माँ की खुशी पूरी नहीं करोगे।